हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कंसेप्ट, लेट अस रिकैप्चुलेट कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बुक्स में कॉस्ट पे शो की जाती हैं, एंड जो मार्केट वैल्यू है इन बुक वैल्यू से वेरी करेगी। तो मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की, दैट कैन बी ईदर इक्वल टू द बुक वैल्यू और इट कैन बी लेस देन बुक वैल्यू और इट कैन बी मोर देन बुक वैल्यू। तो जब तक मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल और मोर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेन द मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, देन इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द फर्म्स इन फ्यूचर। तो फर्म्स क्या करती हैं, टू बी ऑन सेफर साइड, दे क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व for overcoming this fall in the market value of their investments, and this reserve they set aside out of profits to meet the fall in the market value of investments. Investments ki jo market value mein fall hua hai, decrease hua hai, usko overcome karne ke liye ek reserve create karti hain firms out of profits, aur is reserve ko naam diya jata hai investment fluctuation reserve or IFR. अब हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। नो लेट अस सी ऑल द सिचुएशंस वन बाय वन। तो पहली सिचुएशन में हमने मार्केट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट्स की इक्वल माना है बुक वैल्यू के। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करा कि बुक वैल्यू अगर हमारी 2 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख होगी बिकॉज इक्वालिटी इज़ देयर। और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है दैट इज़ 20,000। तो जब भी मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर सेम, इन दैट केस जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि रिजर्व जो है आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया है, और बिफोर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उससे पहले जो भी प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारी एंट्री हो जाएगी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग वी विल बी राइटिंग कैपिटल, इफ कैपिटल्स आर फिक्स वी विल बी राइटिंग करंट। तो अगर यहाँ पे IFR 20,000 है तो डेबिट क्या हो जाएगा 20,000। अब इस 20,000 को हम ए और बी अगर दो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड करेंगे तो 10,000 ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ दे आर इक्वल पार्टनर्स। नेक्स्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स की, इट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। व्हेनेवर दिस सिचुएशन अराइजेस, इन दैट केस वी हैव टू सी कि कितना हमारा इसमें डिक्रीज़ हुआ है। अब मार्केट वैल्यू इस, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है हमारी दैट इज़ बेसिकली 1,82,000 नाउ, और जो हमारी बुक वैल्यू है दैट इज़ 2 लाख। तो जो डिक्रीज़ हुआ है मार्केट वैल्यू में, दैट इज़ 2 लाख माइनस 1,82,000 इज़ 18,000। तो ये फॉल कितना है हमारा 18,000, और हम इसमें IFR अज्यूम कर रहे हैं 20,000 सेम जैसे हमने पहले वाले केस में किया। तो जो फॉल है दैट इज़ 18,000 इज़ लेस देन दिस IFR। एक सिचुएशन तो ये अराइज होगी कि जो हमारा फॉल हुआ मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट्स की, दैट इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि जब हमारा फॉल होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, तब हम ये देखेंगे कि हमारा कितना अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है। तो वो अमाउंट ऑफ डिक्रीज जो देख रहे हैं, दैट फर्स्ट सिचुएशन इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन IFR। IFR से कम है तो IFR से कम है ये 18,000 है। तो जब भी फॉल होगा विच इज़ लेस देन IFR एट दैट टाइम, IFR टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज़ ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना फॉल हुआ है वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, एंड बैलेंस जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट में फॉल हुआ दैट इज़ अ बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी कितनी थी 2 लाख, मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है 1,82,000, तो दैट इज़ 18,000। तो जो हमारा डिक्रीज हुआ दैट इज़ 18,000, तो टू इन्वेस्टमेंट्स में हम यहाँ लिखेंगे 18,000, एंड IFR हमें 20,000 गिवन है, तो IFR वी विल बी राइटिंग हियर 20,000, और पार्टनर्स में बाकी का अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 18,000 विल बी हियर 18,000
इज इन्वेस्टमेंट्स, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया 20,000, एंड अब बैलेंस कितना बच गया 2,000. तो अगर हमारे दो पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो हम इनमें 1,000 and 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट. तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 वॉज देयर. टू इन्वेस्टमेंट्स में हमने डिक्लाइन ले लिया 18,000, दिस इज देयर. एंड जो हमारा 2,000 बैलेंस बचा, उसको हमने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1. नाउ द थर्ड केस, इन दिस केस द सेकेंड केस, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्वल टू. अब ये जो फॉल है, या तो ये लेस होगा IFR से, इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी मोर. तो हमने फॉल देखा कि इफ़ इट इज़ लेस इन IFR, तो हमने एंट्री पास करी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स. इसमें हमने जो भी फॉल हुआ था मार्केट वैल्यू में, उसको हमने ट्रांसफर किया है इन्वेस्टमेंट में. तो फॉल 18,000 का था, तो 18,000 हमने कहाँ लिख दिया, इन्वेस्टमेंट्स के आगे. और बाकी का 2,000 जो हमारा बैलेंस बचा, दैट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. यानी कि जो फॉल हुआ उसको हमने ओवरकम कर लिया फ्रॉम दिस IFR. नाउ नेक्स्ट केस है हमारा कि व्हेन IFR इज इक्वल टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट है हमारा IFR का, इट इज़ ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटली, एंड नो अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि इक्वल है. तो हमारी एंट्री सिंपली हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो इसमें भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो IFR है, दैट इज सेम 20,000, राइट. एंड जो फॉल है वो भी हम 20,000 अज्यूम करके चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है बुक वैल्यू हमारी 2,00,000 है, और मार्केट वैल्यू हमारी क्या होगी 1,80,000. तो डिफरेंस 20,000 है. तो दिस इज़ द फॉल 20,000. 20,000 ऑफ फॉल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 20,000 ओनली. क्लियर. तो हमने ये 20,000 यहाँ डाल दिया. नाउ इफ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब हमने अज्यूम किया IFR हमारा वही 20,000 है, बुक वैल्यू हमारी वही सेम 2,00,000 है, मगर मार्केट वैल्यू 1,70,000 हो गई. तो यानी कि फॉल इज 30,000 नाउ, इट इज़ मोर देन IFR, 10,000 ज़्यादा है. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ IFR है अलॉन्ग विद द बैलेंस ऑफ फॉल इन द वैल्यू इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो जो हमारा IFR है, IFR अकाउंट विल बी डेबिटेड, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमारा वही सेम रहेगा, 20,000 रिजर्व जितना वही आ जाएगा यहाँ पे. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा डिक्लाइन हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, दैट विल बी कम मेंशनड हियर, वो हम यहाँ लिखेंगे 30,000. और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो IFR प्लस डिक्लाइन हो जाएगा. तो IFR इज 20 एंड दिस इज 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000. दिस विल बी 50,000, this will be 30,000, and this is 20,000. यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है. तो IFR हमारा 20,000 हो गया, revaluation is 30,000 जो decline हुआ, और investments हमारी कितनी थी 50,000. अभी जो 30,000 है, this is basically to be distributed among the partners in the old profit sharing ratio. जब हम इसको distribute करेंगे partners में, तो हमारी next entry हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये जो हमारा डिक्लाइन हुआ, दैट इज 30,000, इसको हम पार्टनर्स अगर ए बी मान रहे हैं, तो उनमें हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ए विल बी गेटिंग 15,000 एंड बी विल ऑल्सो गेट 15,000. तो हमारी एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000. तो दिस एंट्री ऑल्सो वी हैव टू पास विद द प्रीवियस एंट्री. सो दीज टू एंट्रीज विल बी पास्ड इन दिस केस. नाउ द नेक्स्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू,
अब मार्केट वैल्यू जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो इन दैट केस वी विल बी पासिंग बेसिकली थ्री एंट्रीज, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स, वी नो दैट। और जो भी इंक्रीज हुआ है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो हम IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो जो हमारा वो 20,000 IFR था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 में, तो 20,000 विल बी डेबिटेड एंड 10,000 ईच विल बी क्रेडिटेड अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद हमारा जो भी इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है दैट विल बी एंटर्ड हियर, तो इंक्रीज इन वैल्यू दैट इज मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। एंड द लास्ट एंट्री विल बी जो रिवैल्यूएशन है दैट इज रिवैल्यूएशन अमाउंट जो भी हमने यहाँ मेंशन किया इंक्रीज, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो जो भी हमारा इंक्रीज हुआ दैट इंक्रीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। हमने रिजर्व जो हमने टच नहीं करा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर उसके बाद जो हमारा इंक्रीज हुआ उसको हमने रिवैल्यूएशन शो किया कि इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो हमारा इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में, इसको हमने सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज दिस इज बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये उसका प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स को, दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन ओल्ड रेशियो। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थैंक यू।